प्रयागराज में चार बार के विधायक और एक बार सांसद रहे अतीक अहमद को अब सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। जी हां, अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि अतीक अहमद, बाहुबली अतीक अहमद, जिसका अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास रहा था, जिसके साथ ही उनके छोटे भाई अशरफ को भी अब सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। ये पूरी प्रक्रिया अतीक अहमद के पुश्तैनी जो कब्रिस्तान है कसारी मसारी इलाके में, वहाँ पर प्रक्रिया पूरी की गई। आप विजुअल में देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से जनाजे गए हैं, वहाँ पर आगे आगे अतीक अहमद का जनाजा गया था और पीछे पीछे अशरफ का जनाजा यहाँ पर जा रहा था। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ खास लोग, परिवार के खास लोग और वहाँ पर आसपास रहने वाले सिर्फ खास चुनिंदा लोगों को ही अंदर आने की इजाज़त दी गई। यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है इस समय और पल पल की अपडेट रखी जा रही है। इसके साथ ही साथ आपको सबसे बड़ी अपडेट ये बता दें कि इस जनाजे में शामिल होने के लिए अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटे जो कि बाल संरक्षण गृह में थे, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे अतीक अहमद के साथ। वो एम्बुलेंस में पोस्टमार्टम हाउस से लेकर कब्रिस्तान तक साथ में आए। इसके साथ ही साथ अशरफ की दो बेटियों की भी आने की अब तक सूचना है। इसके साथ ही कुछ महिलाओं की भीड़ कब्रिस्तान के गेट पर पहुंची, जिन्होंने अंदर जाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की, काफ़ी बहस की पुलिस से, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। कई लोगों के आई कार्ड भी चेक हुए, कहा गया कि वहाँ पर शायस्ता मौजूद है, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो प्रयागराज के पश्चिम क्षेत्र में एक सबसे बड़ा नाम बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का माना जाता था, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। और इसी के साथ इलाहाबाद के ही इस कसारी मसारी इलाके में दोनों भाइयों को उनके माता पिता के साथ में दफन किया जा रहा है। आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं कि वहाँ पर तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं, तमाम लोग जो जनाजे को लेकर पहुंचे हैं वहाँ पर अंतिम नवाज भी पढ़ी जाएगी। इसके साथ आपको बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए एक बड़े ट्रक में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी पहुँचाई गई है। इसके साथ पुलिस ने कई लेयरिंग में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बैठाई है, PAC का घेरा, उसके बाद RAF का भी घेरा, पुलिस ने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है और चारों तरफ वज्र वाहनों से पुलिस सुरक्षा के सारे इंतजाम पुख्ता कर रही है। आपको यूपी तक पर हम आपको तब तक सारी की सारी अपडेट देते रहेंगे, तब तक देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।